मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ मेरे खुद के सबसे पसंदीदा शायर जमाल एहसानी साहब की दो या तीन गज़लें जो मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है। अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो ये एक रेखता पब्लिकेशंस की बुक है, अकेलेपन की इंतहा, शायद फ़ॉन्ट उल्टा आ रहा है, अकेलेपन की इंतहा जमाल एहसानी साहब की। तो मैं आपको दो तीन गज़लें सुनाने वाला हूँ जो मेरी पर्सनल मोस्ट फेवरेट है। गज़ल ऐसे है कि वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे। यहाँ पे जमाल एहसानी साहब बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जो उनके बचपन में या उनकी उम्र में रहे होंगे, जो उनसे बेहद प्यार करते थे लेकिन अब हैं नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं या चले गए हैं, अब रब्ता नहीं रहा, कनेक्शन नहीं रहा, उनके बारे में। तो जिनको ऐसे लोग जो बहुत प्यार करते थे पुराने टाइम के, जैसे हमारे बचपन में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं या उस अच्छे वक्त के बारे में सोचते हैं और चेहरे पे मुस्कान आ जाती है या फिर सैडनेस आ जाती है, जो भी है। शेर सुनिएगा कि वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे, ये किस मकाम पर सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मकाम पर सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाकर कहीं दिन संवरने वाले थे। शेर देखिए आप, ये किस मकाम पर सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाकर कहीं दिन संवरने वाले थे। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। उसे एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, उसे एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, वहाँ भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे। एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, वहाँ भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे। एक गज़ल है कि जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका। जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका, जो मेरे जिक्र पर अब कह कहे लगाता है। कहे कहे मतलब एकदम से हंसना, काफी तेज हंसना। जो मेरे जिक्र पर अब कह कहे लगाता है, बिछड़ते वक्त कोई हाल देखता उसका। शेर सुनिए, जो मेरे जिक्र पर अब कह कहे लगाता है, बिछड़ते वक्त कोई हाल देखता उसका। जमाल तूने तो ठानी थी उम्र भर के लिए, जमाल तूने तो ठानी थी उम्र भर के लिए, ये 4 रोज में क्या हाल हो गया उसका। जमाल तूने तो ठानी थी उम्र भर के लिए, ये 4 रोज में क्या हाल हो गया उसका। एक गजल ऐसे है कि कल रात मैं शिकस्ते सितमगर से खुश हुआ, कल रात मैं शिकस्ते सितमगर से खुश हुआ, वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ। कई बार जिन लोगों को हम प्यार करते हैं और जब वो हमारे सामने रो पड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है किसी वजह से अंदर से खुशी मिलती है कई लोगों को देखकर जब वो रोने लगते हैं। तो शेर देखें आपके, कल रात मैं शिकस्ते सितमगर से खुश हुआ, वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ, मैं उसके हम सफ़र से मिला इस तपाक से, मैं उसके हम सफ़र से मिला इस तपाक से, अंदर से जल के रह गया बाहर से खुश हुआ। शेर देखिए, मैं उसके हम सफ़र से मिला इस तपाक से, अंदर से जल के रह गया बाहर से खुश हुआ। और दुख बांटना तो रस में जहां है मगर जमाल, दुख बांटना तो रस में जहां है मगर जमाल, दुख बांटना तो रस में जहां है मगर जमाल, वो खुश हुआ तो मैं भी बराबर से खुश हुआ। दुख में तो सब साथ देते हैं लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो हमें सुख देखकर, हमें खुश देखकर हमारा साथ दें या फिर खुशी में शामिल हों दिल से। दुख बांटना तो रस में जहां है मगर जमाल, वो खुश हुआ तो मैं भी बराबर से खुश हुआ। कल रात मैं शिकस्ते सितमगर से खुश हुआ,
वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ।